अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिशेज के ऑर्गन सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोकोमोशन को, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को और सर्कुलेशन को स्टडी करेंगे। इसके बाद एट दी एंड हम पीपीएससी 2011 जो जोलॉजी का पेपर था लेक्चरशिप का, उसको उसके एमसीक्यूज जो है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। सबसे पहले लोकोमोशन, जो लोकोमोशन है फिशीज में ना, वो हेल्प आउट उसको किया जाता है एक तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी से। ठीक है, ये आप पिक्चर में देख लें, स्ट्रीमलाइन बॉडी है इनकी और म्यूकाइट सेक्रीशंस हैं, म्यूकस है। ठीक है, जो फ्रिक्शन काम करता है फिशीज की वाटर के दरमियान में और फिशीज के दरमियान में। मसल्स इनके जो है ना वो इंटीरियरली और पोस्टीरियरली ज़िगज़ैग फैशन में रेंज होते हैं, इसलिए जब एक मसल बंडल जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लार्ज पोर्शन ऑफ बॉडी वॉल जो है उस पर इफेक्ट होता है। इनका जो पाउडर फिन होता है वो फॉग्ड होता है, और फॉग्ड बेसिकली उनमें होता है जो फास्ट मूविंग फिशीज है, लाइक ट्यूना है, मैकरेल है, उनमें ये फॉग्ड होता है। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, जो अर्लीस्ट स्पीशीज थी ना, हमने पढ़ा था कि एग्नेथन्स जो है वो जॉलेस स्पीशीज थी, तो इसलिए जो उनका फीडिंग का स्टाइल था ना वो ये था कि वो फिल्टर फीडर्स थी या स्कैवेंजर्स थी और बॉटम में रहती थी। लेकिन जैसे ही गनेथोस्टोन्स में जार्स डेवलप हुए तो फिशीज का लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो गया, वो प्रेडेटरी हो गई। अब इनका जो प्रे होता है ना वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एक एज पे प्रे और होता है, दूसरे एज पे और हो सकता है। और इसकी रेंज क्या होती है कि इनवर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, प्लैंकटॉन्स हो सकते हैं और वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि जो लार्वल फिश है ना वो प्लैंकटॉन्स खाती है और जो अडल्ट फिश है वो लार्ज प्रे पे फीड करती है। ठीक है, लाइक स्मॉल फिश हो गई, लाइक एनिलिड्स हो गए। उसके बाद टीथ जो है ना वो इनमें मॉडिफाइड होते हैं, ताकि अगर ये मोलस्क खा रही हैं या आर्थ्रोपोड्स खा रही हैं तो उनकी शेल को क्रश कर सकें। उसके बाद टीथ जो है वो कैप्चर और होल्ड करते हैं प्रे को। उसके बाद ये प्रे कैप्चर कैसे करती हैं, एक प्रेशर डिवेलप करके। प्रेशर कैसे डिवेलप होता है, फिर ये एक सक्शन बनाती हैं जो कि ना कैसे बनता है कि माउथ को रैपिडली ओपन करती हैं और अपरकुला को क्लोज कर देती हैं। उससे क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर डिवेलप हो जाता है और जो प्रे है ना वो इनके मुंह में आ जाता है। उसके बाद है फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग में जो है ना वो हेरिंग है, पैडल फिश है और शार्क्स हैं। इनमें ये आप पिक्चर में देख रहे हैं कि लॉन्ग गिल प्रोसेसेस हैं, जिन्हें हम गिल रैपर्स कहते हैं। ये ट्रैप कर लेते हैं प्लैंकटॉन्स को जब ये मूव कर रही होती हैं, स्विम कर रही होती हैं ओपन माउथ के साथ, तो ये प्रे को कैप्चर कर लेती हैं। उसके अलावा इनमें बाकी फीडिंग स्ट्रेटजीज भी हैं, जैसे कार्ब्स हैं। कार्ब्स जो है ना ये प्लांट्स और एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स पे फीड करती हैं, लेकिन मोस्टली जो है हर्बीवोरस होती हैं और ये हमारे पंजाब में बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। उसके अलावा लैम्प्रे का हमने पढ़ा, अग्नेथन्स का, कि इनमें क्या होता है कि ये ब्लड पैरासाइट होती हैं। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डैट इज सिमिलर टू अदर वर्टिब्रेट्स। स्टमिक होता है जो कि स्टोर करता है इनफ्रीक्वेंट मील्स। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जहाँ पे एंजाइम सेक्रीशन और डाइजेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे ना इनमें दो अडॉप्टेशंस हैं, बोनी फिशेज के लिए अलग और कार्टिलेजिनस फिशेज के लिए अलग। जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है ना उनमें क्या होता है कि स्पाइरल वॉल्व होता है इंटेस्टाइन में, जबकि जो बोनी फिशेज होती है ना उनमें आउट पॉकेट्स होती हैं इंटेस्टाइन में, जिन्हें हम पायोरिक सीका कहते हैं। दोनों क्या करते हैं कि सेक्रेटरी और अब्सॉर्प्टिव सर्विसेज जो होती है ना उनको इंक्रीज करते हैं। उसके बाद एट द एंड है सर्कुलेशन इन फिशेज। अब हम देखेंगे कि फिशेज में सर्कुलेशन का क्या मैकेनिज्म है। सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ लंग्स। फिशेज में यस लंग्स प्रेजेंट होते हैं, हमने पढ़ा था कि क्लास ओस्टिक थाइस में एक ग्रुप है, ठीक है, सार्कोटेरिजाए, जिसमें लंग फिशीज होती हैं सब क्लास में। अब जैसे ही लंग्स इनमें इवॉल्व हुए तो गिल्स का लॉस हो गया और डिलीवरी ऑफ ब्लड टू द लंग्स स्टार्ट हो गई, सेपरेशन हो गई ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। अब वर्टिब्रेट का जो हार्ट होता है ना ये डिवेलप कैसे होता है, वेंट्रल एओर्टा की फोर एम्ब्रियोलॉजिकल एनलार्जमेंट से। उसके बाद ब्लड पाथवे हमने फिशीज का याद रखना है कि क्या होता है, वीनस सिस्टम से आता है साइनस वेनोसिस, उसके बाद एट्रियम में, उसके बाद वेंट्रिकल में, उसके बाद कोनस आर्टरियोसिस में और एट द एंड वेंट्रल एओर्टा में। फाइव एफिरेंट वेसल्स वो ब्लड को लेकर जाती हैं गिल्स में और वहां से कैपिलरीज में डिवाइड होकर ना वो ब्लड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है।
उसके बाद ब्लड को कलेक्ट किया जाता है इफिरेंट से, उसको भेजा जाता है डार्सल एओर्टा में और उसके थ्रू सारी बॉडी में भेज दिया जाता है। यहाँ पे आप पिक्चर में देख लें, फर्स्ट वन जो है ना ये हैग फिशेज को एक्सप्लेन कर रही है और सेकेंड वन जो है ये बोनी फिशेज को एक्सप्लेन कर रही है और ये वेंट्रल व्यू है हार्ट का। उसके बाद ये है पास्ट पेपर 2011 का, डिजीज काजिंग प्रोटोजोआ कौन से होते हैं, अमीबा इसका राइट आंसर है। उसके बाद बाइन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ, बाइन्यूक्लिएट कौन से हैं, तो इसमें जो है ना कोई भी आंसर राइट नहीं है क्योंकि बाइन्यूक्लिएट प्रोटोजोआ जो है वो पैरामीशियम वगैरह है, सीलिएट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद है कि कौन सा सिलेंट्रेट है जिसको पुर्तगेज मैन ऑफ वॉर कहा जाता है, तो इसका आंसर है फ्रिजीलिया। सेब्रोसिनोवेट एनिमल्स कौन से हैं, इनमें नीमाटोड्स हैं। अर्थवर्म बिलोंग करता है, इसमें से किसी भी फाइलम से बिलोंग नहीं करता, अर्थवर्म बिलोंग करता है फाइलम एनिलिड्स से। नंबर ऑफ आर्म्स इन ऑक्टोपस, तो नंबर ऑफ आर्म्स जो है ऑक्टोपस में वो 8 होती हैं। उसके बाद द कंपाउंड आइज आर प्रेजेंट इन, कंपाउंड आइज जो है वो हनी बीज में प्रेजेंट होती हैं। अच्छा ब्लेनोग्लॉसिस बिलोंग्स टू, ब्लेनोग्लॉसिस बिलोंग करता है हेमिकॉर्डेटा से। एक्सटिंक्ट वर्टिब्रेट्स जो है वो प्लैकोडर्म्स हैं। उसके बाद टाइप ऑफ स्केल्स जो शार्क में प्रेजेंट होते हैं तो वो प्लेकाइट स्केल्स हैं, ठीक है। और ये बात भी याद रखनी है कि प्लेकाइट स्केल्स जो है वो डर्मल इन ओरिजिन होती है। All of the following animals have three-chamber heart except, इसमें crocodile जो है वो right answer है क्योंकि उसमें four-chamber heart present होता है। Which one of the following is not an extra embryonic membrane? कौन सी इसमें extra embryonic membrane नहीं है, pleura, क्योंकि amnion, chorion और alendbys जो है वो extra embryonic membranes हैं। यहाँ तक था ये, और इसके बाद next lecture जो है हम बाकी other system study करेंगे और paper 2 जो है 2011 का वो पढ़ेंगे। Thank you.